वेलकम ऑल व्यूअर्स इन क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनिंग। आज हम आपको सिखाएंगे कि कोरल ड्रा में इमेज ट्रेस कैसे करते हैं, मतलब कि अभी मैं आपको इमेज ट्रेस करना सिखाऊंगी। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आप कोई भी इमेज सेलेक्ट कर लें, कोई कार्टून सेलेक्ट कर लें, या आपको इसके लिए अब मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रही हूँ मिकी माउस, आप इसकी जगह पे टॉम एंड जेरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, डोरेमोन कर सकते हैं, या वट एवर यू वांट टू सिलेक्ट, आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। अब मैंने मिकी माउस यहाँ पे सिलेक्ट किया है और अब इसको हम ट्रेस करते हैं। तो इसके लिए आपने सबसे पहले इसको कॉपी कर लेना है और लॉक कर देना है, फिर पेन टूल लेके सिलेक्ट करना है। और शेप टूल लेकर इसको कन्वर्ट टू कर्व करते जाना है। कन्वर्ट टू कर्व करने के बाद आपने इसे एडजस्ट करते जाना है। आराम आराम से एडजस्ट करना है और इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करते जाना है इस तरह से। और आपने बहुत ही ख्याल से ये करना है ताकि कोई भी आपसे मिस्टेक ना हो। ट्रेस करना है तो ये इसमें आपको कुछ ख्याल भी रखना पड़ेगा, छोटे छोटे पॉइंट्स का ख्याल रखना पड़ेगा इसमें आपको। इस तरह से आपने इसे एडजस्ट कर लेना है। ये देखें जिस तरह से अभी मैं ये कर रही हूँ ना, आपने ऐसे ही करना है, आराम आराम से करना है, बारीकी से आपने एक एक पॉइंट को नोटिस करना है ताकि कहीं पे भी कुछ मिस ना हो जाए। आप जितना अच्छा बनाएंगे, जितना टाइम दे कर बनाएंगे, उतना आपके लिए अच्छा होगा, आपके क्लाइंट को उतना पसंद आएगा। तो आपने इसी तरह से बनाना है, देखिए जिस तरह से मैं बना रही हूँ। तो अगर आप ऐसे बनाएंगे तभी आपका, आप जो भी बना रहे होंगे, जिस चीज़ में भी आप ये इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी बारीकियों का, वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। अगर आपने अभी तक यो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर कोई भी सवाल आपके माइंड में आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगी।
इस तरह से इसके एक एक पार्ट को अलग अलग करते जाना है। और अब आप देखें, अब हम ना इसे शेडो दे देते हैं। देखिए, शेडो देकर अब हम इसे अच्छा बना देते हैं। अब आप देखिए, ये बन गया है हमारा मिक्की माउस।